रोड भी खाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग में हम आपको R15 के बारे में कुछ बताएंगे और बाइक को राइड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे R15 वर्जन 3 है जो कि BS4 मॉडल है। तो दिखाते हैं बाइक आपको और करते हैं इसके बारे में बातें। एक बार आप बाइक को देख लीजिए और ये BS4 बाइक है, 6 है, BS6 मॉडल। तो मैं आपको एक का साउंड सुनाता हूँ, न्यूट्रल हो जा। बाइक हो गई न्यूट्रल, आप इसका साउंड चेक कीजिए। तो ये है बाइक का साउंड। बाइक के बारे में तो आप जानते ही हो, बाइक कैसी है, कितना भागती है, कैसे क्या है। 155 सीसी का इसमें इंजन है, देख रहे होगे आप। बाइक कुछ मॉडिफाई करा रखी है, ये मॉन्स्टर एडिशन बाइक है। इस पर ये इनकी आईडी है, विशाल भाई हैं जो कि मॉन्स्टर विशाल करके इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। और बाकी मैं बाइक को राइड करता हूँ, देखता हूँ कैसी भागती है, कैसे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं और करते हैं इस बाइक को राइड, देखते हैं कैसे भागती है, कैसा इसका परफॉर्मेंस है। विशाल भाई की ये बाइक है, भगाते हैं थोड़ा बाइक को। रोड भी खाली है, बाइक में तो काफ़ी अच्छी पावर है और बाइक काफ़ी अच्छी भाग रही है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे रोड खाली मिला है, पूरा रोड खाली है। इससे मैं बाइक को जो है काफ़ी अच्छे से भगा पा रहा हूँ। 118-119 काफ़ी अच्छी जल्दी कवर कर रही है बाइक। वज़न 4 होने के बाद भी ये बाइक काफ़ी अच्छी है। तो 155 सीसी का इसमें इंजन है, इस हिसाब से बाइक काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस कर रही है। देख रहे होगे आप, बाइक 132 क्रॉस कर चुकी है और वो तो अभी और जाती है, भगाते तो 155 भागती है, इसकी टॉप स्पीड है। तो गाइस, काफ़ी टाइम हो गया मुझे ब्लॉग शूट किए हुए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, आपसे क्या बात करूँ। आपको तो पता ही है मोटो ब्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है, खुद ही अपने आप बोलना बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। तो धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ मेरी आदत पड़ जाएगी बोलने की, और आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये सब मैं एक वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ आपके लिए। आपको तो पता ही है एक वीडियो शूट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 5 मिनट की वीडियो के लिए करीब 2-3 घंटे लगते हैं उसे शूट करने में, फिर उसे एडिट करने में काफ़ी टाइम इसमें लॉस्ट होता है। तो कोई नहीं, मैं सोच रहा हूँ मेहनत करूँगा तो ज़रूर एक ना एक दिन सक्सेस हो ही जाऊँगा, और उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, यही कहना चाहूँगा। अगर आपको बाइक लेनी हो तो R15 अच्छी बाइक है 155 सीसी में, और इससे भी अच्छी बात यह है कि ये बाइक माइलेज अच्छा देती है। माइलेज की बात करूँ तो ये आपको 45 से 50 का माइलेज देती है जो कि काफ़ी अच्छा है 155 सीसी इंजन के लिए। तो आपको कभी ये लगेगा नहीं कि आप एक स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं 155 सीसी कैटेगरी की, तो ये एवरेज जो है इसका स्प्लेंडर के बराबर ही है, जितना स्प्लेंडर बाइक देती है उतना ही ये इसका एवरेज है। तो बाइक आपने देखी होगी कैसी है, ऑल ओवर मैंने आपसे सभी बातें, आप इस बाइक में तो पावर है एकदम मस्त आ रही है, बिल्कुल इंजन एकदम इसका रिफाइन हो है। बाइक भगाने में भी काफ़ी अच्छी है, कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, पर एक थोड़ी प्रॉब्लम है कि बाइक का जो है थोड़ा टायर पिछलेगा चेंज होने का। तो भाई बोल रहे थे कि टायर तो मेरे पास इसका है, अभी वो मैंने डलवाया नहीं है। तो बाकी अभी बाइक में थोड़ा काम होने का है, वैसे तो बाइक अच्छी भाग रही है और देखते हैं ये बाइक अभी कितनी चली हुई है। नहीं यार, क्या है इसका समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ भी। फिलहाल और ओवल अच्छी है, और ये रहा कुछ इसका कंपेयर इसका वीडियो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।